2014 तक मुंबई में सिर्फ 10-11 किलोमीटर तक मेट्रो चलती थी। आधुनिक कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जिस प्रकार के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कभी कल्पना होती थी, आज वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा है। यानी देश में आज की जरूरत और भविष्य में समृद्धि की संभावनाओं दोनों पर एक साथ काम चल रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आज बेहाल है, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भी भारत 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन दे करके कभी भी उनके घर का चूल्हा बुझने नहीं देता है। ऐसे माहौल में भी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। ये आज के भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है, विकसित भारत के हमारे संकल्प का प्रतिबिंब है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की भूमिका सबसे अहम है। इसमें भी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आने वाले 25 वर्षों में राज्य के अनेक शहर भारत की ग्रोथ को गति देने वाले हैं। इसलिए मुंबई को भविष्य के लिए भी तैयार करना ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। हमारी ये प्रतिबद्धता मुंबई में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में भी दिखती है। 2014 तक मुंबई में सिर्फ 10-11 किलोमीटर तक मेट्रो चलती थी। जैसे ही आपने डबल इंजन सरकार बनाई, वैसे ही इसका तेजी से विस्तार हुआ है। कुछ समय के लिए काम धीमा जरूर हुआ, लेकिन शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी के आते ही अब फिर तेजी से काम होने लगा है। मुंबई में 300 किलोमीटर के नेटवर्क की तरफ हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज देश भर में रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। मुंबई लोकल और महाराष्ट्र की रेल कनेक्टिविटी को भी इससे फायदा हो रहा है। डबल इंजन सरकार सामान्य मानवी को भी वही आधुनिक सुविधा, वही साफ सफाई, उसी तेज रफ्तार का अनुभव देना चाहती है जो कभी साधन संपन्न लोगों को ही मिलती थी। इसलिए आज रेलवे स्टेशनों को भी एयरपोर्ट की तरह ही विकसित किया जा रहा है। अब देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का भी कायाकल्प होने जा रहा है। हमारी ये धरोहर अब 21वीं सदी के भारत की शान के रूप में भी विकसित होने जा रहा है। यहां लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए अलग अलग सुविधाएं बनेगी। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा।
यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहां एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। इससे यात्रियों को एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। यही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है जिसे हम देश के हर शहर में विकसित करने जा रहे हैं। साथियों, आधुनिक होती मुंबई लोकल, मेट्रो का व्यापक नेटवर्क, दूसरे शहरों से वंदे भारत और बुलेट ट्रेन से तेज आधुनिक कनेक्टिविटी आने वाले कुछ वर्षों में मुंबई का कायाकल्प होने जा रहा है। गरीब मजदूर से लेकर कर्मचारी, दुकानदार और बड़े बड़े बिजनेस संभालने वाले सबके लिए यहां रहना सुविधाजनक होगा। यहां तक कि आसपास के जिलों से भी मुंबई आना जाना भी सुलभ होने वाला है।